फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पियानो विद केदार सिंह चौहान। आज हम एक नई रिदम सीखेंगे जिसका कि फिल्म म्यूजिक में बहुत ज़्यादा बहुत यूज किया गया है, बहुत एक्सटेंसिवली इसका फिल्म म्यूजिक में यूज किया गया है, जिसे हम हिंदी में कहरवा रिदम कहते हैं। अब क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड से रिदम पैटर्न पियानो पे प्ले करना होता है, तो इसका एक डेफिनेट एक पैटर्न होता है कहरवा का, जिसे हम इंग्लिश में इसको टैंगो रिदम कहते हैं। तो आज हम टैंगो रिदम सीखेंगे और इस पे इंडियन मूवीज में थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं टैंगो रिदम, देन इसके फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा, देन इस पे कुछ बेस्ड सॉन्ग्स हैं वो आपको बताऊंगा। पिछले लेसन में मैंने आपको टैंगो के एक दो सॉन्ग्स बताए थे, आज हम टैंगो के बाकी स्किल्स के भी सॉन्ग्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू प्ले टैंगो रिदम। यदि आप पियानो का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन हिट करें ताकि आपको सारे लेसन्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि टैंगो रिदम को कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड्स, पहले हमने मार्च रिदम सीखी है जिसमें सी, सी मेजर, जी एंड सी मेजर, यानी सी, सी मेजर, देन फिफ्थ फिंगर से जी एंड सी मेजर, ये प्ले किया जाता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। अब जो टैंगो रिदम आएगा, जैसे कि हम हिंदी में इंडियन उसमें कहरवा कहते हैं, यहाँ पे आप देखिए थर्ड बीट पर रेस्ट लिखा हुआ है। थर्ड बीट 1 2 3, थर्ड पे रेस्ट, यानी कि वहाँ हमें यहाँ कुछ भी नहीं प्ले करना रहेगा। सो ये जो फर्स्ट मेजर है वो ऐसे प्ले होगा 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, थर्ड पे रेस्ट है। उसके बाद देखिए आगे का मेजर ऐड करते हैं, यानी टैंगो के फर्स्ट मेजर एंड थर्ड मेजर में थर्ड बीट पर दोनों जगह रेस्ट होता है, और ये फोर मेजर्स में ये टैंगो रिदम का एक कंप्लीट बार बनता है। एक बार फिर देखते हैं कैसे प्ले करेंगे हम, अगर सी मेजर पे बजा रहे हैं तो, दूसरी चीज अभी अगर फोर मेजर्स में अलग अलग कॉर्ड्स आएंगे तब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अभी सेकंड लाइन में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए ये रेड कलर से ये लिख दिया है, ये दूसरा कॉर्ड है, एफ मेजर पे हम अगर शिफ्ट हो रहा है, 8 बीट तक सी मेजर कॉर्ड है, देन उसके बाद कॉर्ड चेंज हो जाएगा, तब हम इसे कैसे प्ले करेंगे आइए देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि हर मेजर में कॉर्ड चेंज हो रही है, तब हम टैंगो को कैसे प्ले करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट मेजर में सी मेजर है, देन एफ मेजर, देन जी, देन सी। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप अभी तक जो हमने स्केल्स सीखी हैं उनके प्रोग्रेशंस में जरूर करिए। जैसे सी मेजर स्केल हमने सीखा हुआ है, जी, एफ मेजर, देन सी माइनर, उनमें ये कॉर्ड्स हैं, उनके साथ आप इस एक्सरसाइज को प्ले करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्ले करके बता देता हूँ सी माइनर स्केल में। ये मैंने एक कॉर्ड को ऑल फोर मेजर्स में प्ले किया, इसका आप हाफ करेंगे एंड देन उसका हाफ, यानी एक कॉर्ड को
एक मेजर में तक हमें करना है। अभी हमने एक कॉर्ड को चार मेजर तक में प्ले किया, इसका हाफ करेंगे तो एक कॉर्ड दो मेजर में प्ले होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट और इससे हाफ जो फाइनली हमें करना है वो ये हो गया। ऐसे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये जो अभी मैंने प्ले करके बताया ये केवल लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस थी। इसे आप जब स्केल में जब आपका लेफ्ट हैंड पर अच्छा कमांड हो जाएगा तब आप इसमें राइट हैंड ऐड करेंगे। राइट हैंड में सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर एंड सी माइनर स्केल में इससे आप प्रैक्टिस करिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एफ मेजर स्केल में प्ले करके बता देता हूँ। रिदम प्ले करके बताऊंगा। फ्रेंड्स आपने ये देखा कि टैंगो रिदम को हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है स्केल पर। आप पहले इन सबको मास्टर करिए, फिर आप इन स्केल्स के और टैंगो रिदम के सॉन्ग्स बहुत इजीली और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, जो इंडियन मूवी के बहुत ही प्रचलित सॉन्ग्स हैं वो हम कुछ देखेंगे। Thank you.
बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। उम्मीद है आपने ये मेरा पूरा लेसन ध्यान से देखा होगा। आप इसे बार बार देख सकते हैं ताकि आप इस रिदम को अच्छे से सीख सकें। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।